उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत पर स्वाति मालीवाल ने दुख जताया। आरोपियों को एक महीने के भीतर फांसी की मांग उन्होंने की है। एक और देश की बेटी ने दम तोड़ दिया। वो तड़पती रही, बार बार डॉक्टरों से बोलती रही कि मुझे बचा लो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं अपने कातिलों को फांसी की सजा पे चढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाई। उन्नाव की इस बेटी ने कितना तड़प, कितना दुख सिर्फ इस कारण से झेला क्योंकि वो रेप के खिलाफ उसने आवाज उठाई। तो ये देश की सरकार क्या इतनी बहरी है, इतनी असंवेदनशील है कि उसे बेटियों की चीखें और तड़प महसूस नहीं होता? आज मेरे आमरण अनशन का 5वां दिन है। मुझे इतनी शर्म आ रही है हमारे देश की सरकार पर कि इतनी बेटियां, हर दिन एक बेटी मर जाती है लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है शायद इन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उसके साथ साथ इनके पास बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है। जो देश की पुलिस जनता की सिक्योरिटी में कार्यरत होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इनकी सिक्योरिटी करती है।